नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मैंने सोचा मैं भी एक लाइन कह दूं। मैं एक लाइन कह रहा हूं, घर घर में खुशहाली पहुंचे, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, एक कमर का फूल एक गरीब का पक्का प्रधानमंत्री आवास बनाएगा। एक कमर का फूल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहराएगा। एक कमर का फूल 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन पहुंचाएगा। एक कमर का फूल 24 घंटे बिजली दिलाएगा। एक कमल का फूल, जो ये फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री जी सूर्य घर की बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा से आपके घर को आच्छादित कर दिया जाएगा। उस बिजली से आपके घर की बिजली भी जलेगी, जो ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीदेगी और 15 से 18 हजार रुपया महीना आपके खाते में आएगा। ये गरीब कल्याण की योजना है। गरीबों के लिए काम होता है तो ये सारे विरोधी बौखला जाते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं हमने तो केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी कभी हटाया नहीं। और मोदी जी ने गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, लेकिन 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया। बताइए मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आप सब ने बनाई है, उस सरकार से 10 साल के कामकाज से खुश हो? मोदी जी की गारंटी, मतलब गारंटी की भी गारंटी है मालूम है आप लोगों को। इसलिए आपके यहाँ 7 मई को है मतदान, और मैं एक ही बात कहता हूँ, पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन इस बात संकल्प लेकर के जाना, हमें हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत है, मैं आपको उत्साह को प्रणाम करता हूँ। लेकिन आप सबसे अपील भी करता हूं, सभी कार्यकर्ता जो बाएं दाएं नीचे ऊपर जहां भी बैठे हैं, उत्साह बहुत है, रहना चाहिए, लेकिन हमारा बूथ सबसे मजबूत रहना चाहिए। बूथ जीता चुनाव जीता, बूथ जीता लोकसभा जीता, बूथ जीता धर्मेंद्र कश्यप जी को सांसद बनाने का काम किया, बूथ जीता तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का काम किया। इसे बूथ में सजग पहरेदार के रूप में डटे रहना, विरोधी कुछ ना करे उसकी चिंता मत करना, लेकिन आप अपना पसीना बहाना बंद मत करना। मैं जानता हूं इस गर्मी में भी विपक्ष ठंडा पड़ गया है, लेकिन हमें ठंडा नहीं पड़ना है। गर्मी में क्यों पड़ने दो, इतना पसीना बहाएंगे कि कभी संकट काल आवे तो किसी के खून की एक बूंद भी ना बहने पावे। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब मैं अगर याद दिलाऊं भुला जाओगे, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे? उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, याद करिए उस समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं रहता था? दोनों हाथ वाला को नहीं रहता था कि नहीं रहता था? और जब सपा की सरकार थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, बताइए रहता था कि नहीं रहता था? दोनों हाथ वाला को नहीं रहता था कि नहीं रहता था? और जब से आपने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, कोई गुंडागर्दी करता है क्या? कोई माफियागिरी करता है क्या? सपा के समय बिजली आती नहीं थी और भाजपा के समय बिजली जाती नहीं है, अंतर आया कि नहीं आया? भूलिएगा मत मेरे भाई बहनों, 2024 का लोकसभा चुनाव, अंत में एक बार यही कहूंगा, कोई भी बात, हमारे धर्मेंद्र जी बहुत विनम्र स्वभाव के, उन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई गलत नहीं किया है, फिर भी कोई गलती हुई हो तो उसे माफ करना, ये बड़प्पन है। आशीर्वाद दो, दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद दो। 7 मई को अपने बूथ पर लगने वाली ईवीएम मशीन को कमल के फूल से लबालब करने के लिए
बाकी सबको चाहिएगा भूल। याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का, और कमल का।